समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यादव ने आखिरी सांस ली। करियर की शुरुआत में पहलवान रह चुके मुलायम सिंह यादव ने प्रतिद्वंदी को चित करने के हुनर का इस्तेमाल कर खुलकर राजनीति में किया। लंबे समय तक यूपी की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले यादव की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक सफर में कई बुलंदियों को छुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति के तो वो भीष्म पितामह थे ही, लेकिन केंद्र की राजनीति में भी मुलायम सिंह यादव ने अपना दबदबा कायम रखा था। हालांकि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया। मुलायम सिंह यादव 1996 में पहली बार पीएम बनते बनते रह गए थे। उस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को इस चुनाव में 161 सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत से दूर होने के चलते 13 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि अब नई सरकार कौन बनाएगा। कांग्रेस के पास 141 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थी। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने मुलायम के नाम का विरोध किया। बाद में देवगौड़ा और आईके गुजराल मंत्रिमंडल में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। दूसरी बार 1999 में ऐसा मौका बना जब वे देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उस दौरान भी उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। 1999 में मुलायम सिंह ने संबल और कन्नौज सीट से जीत हासिल की। दोबारा मुलायम सिंह यादव का नाम सामने आया, लेकिन दूसरे यादव नेताओं ने फिर अपने हाथ पीछे खींच लिए और इस तरह दो बार मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने से बस थोड़ा सा ही दूर रह गए। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे, जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर
मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगे गेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे।